प्लीज अध्यक्ष महोदय हेमंत जी, अध्यक्ष महोदय मैं चंद्रयान बैठे प्लीज तीन की सफलता पे मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं कई भाषण यहां सुन रहा था, कई लोगों ने कहा कि इस शास्त्रज्ञों में से कुछ वैज्ञानिक जो है चार मुस्लिम थे, कई लोगों ने कहा कि हमारे राज्य से यह मिशन चला है। मुझे लगता है कि ये जो शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक काम कर रहे थे ये तो किसी जाति के कोई धर्म के लिए काम नहीं कर रहे थे, ये जो काम कर रहे थे ये हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे थे, देश के लिए काम कर रहे थे। मैं सर्वप्रथम ये वैज्ञानिकों का मन से अभिनंदन करता हूं और ये जो भावना हमारे शास्त्रज्ञों में जगाई है मैं देश के पंत प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद इसलिए करता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो महाराष्ट्र का पिछड़ा क्षेत्र है हिंगोली। आज मेरे क्षेत्र में पिछले 13 सालों से एक नासा ने एक प्रोजेक्ट लिया था, वहां की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है औंढा नागनाथ के हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वहां बसे हुए है, तो वहां की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा है। नासा ने एक क्षेत्र चूज किया था तो वहां पे 13 साल से कुछ काम नहीं हुआ था। मैं माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह साहब का और प्रधानमंत्री साहब का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने लाइगो नाप की जो प्रयोगशाला है उसके लिए 2600 करोड़ रुपए दिए है और इस प्रयोगशाला के माध्यम से दुनिया की सबसे नंबर 2 की ऑब्जर्वेटरी मेरे क्षेत्र में होने जा रही है। इससे मेरे क्षेत्र का बहुत फायदा होगा और हमारा जिला जो हल्दी के लिए जाना जाता था वो शास्त्रज्ञों का जिला बोल के माना जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर से संगम लाल गुप्ता। अध्यक्ष जी आपने मुझे चंद्रयान 3 मिशन पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी यह बड़े संयोग का विषय है कि एक तरफ भारत के गौरवशाली इतिहास में नई संसद में प्रथम बार बोलने का अवसर दुनिया के भारत के एक परचम लहर